दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर भूतों के कई प्रकार बताए गए हैं। कई लोगों को तो पता नहीं होता कि सामान्य भूत और चुड़ैल में क्या फर्क है। वे मानते हैं कि हर महिला जो भूत होती है उसी को चुड़ैल बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चुड़ैल एक अलग प्रकार की प्रेतनी होती है। उनके पास एक सामान्य महिला भूत से अलग शक्ति होती है, जबकि सामान्य प्रेतनी के पास कम शक्तियाँ होती है। चुड़ैल काफ़ी खतरनाक होती है। यदि किसी इंसान के पीछे लग जाती है तो उसको मार कर ही दम लेती है। आइए जानते हैं कैसी होती है चुड़ैल। उसके नाखून काफ़ी डरावने और लंबे होते हैं, जिनको देखकर हर किसी का कलेजा फट जाए। ऐसा माना जाता है कि वह अपने नाखून का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करती है। चुड़ैल का सर आम भूतों की तरह नहीं होता, वह काफ़ी डरावना होता है। उनका सर चारों तरफ घूमता है। यदि कोई उसके घूमते हुए सर को देख ले तो उसको आसानी से होश उड़ जाए। चुड़ैल का चेहरा इतना भयानक होता है कि यदि इंसान रियल में उसका चेहरा देख ले तो वह तुरंत ही डर के बेहोश हो सकता है। उसके चेहरे पे खून टपकता रहता है और वह काफ़ी भद्दा और डरावना होता है। उसके मुंह में दांत काफ़ी बड़े और भयानक होते हैं, वे काफ़ी काली होती है। दोस्तों, चुड़ैल के पास सबसे खतरनाक शक्ति होती है। वह एक रियल लड़की के रूप में बदल सकती है और उसको देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वह चुड़ैल है। इतना ही नहीं, वह किसी जानवर का रूप भी धारण कर सकती है। उसके हाथ भी काफ़ी लंबे होते हैं, जिसकी मदद से वह दूर बैठे ही कुछ भी काम कर सकती है। दोस्तों, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, किंतु ऐसे सुनने में आया है कि जिस महिला का कोई बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह जाती है और वह महिला अपने जीवन काल में काफ़ी गलत काम करती है, वह चुड़ैल बन जाती है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जिस महिला का मौत प्रसव के दौरान होती है वह चुड़ैल बन जाती है। दोस्तों, चुड़ैल पुरुषों पर अधिक अटैक नहीं करती, किंतु वो महिलाओं पर अधिक अटैक करती है। लेकिन यदि कोई पुरुष रात में कोई मिठाई वगैरह लेकर आता है तो उसके पीछे पड़ सकती है। कई बार वह रात के अंधेरे में एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती है। यदि कोई उस पर दया कर उसे बुला लेता है तो वह उसके पीछे हो सकती है। जैसे कि आपको पता है, भूत प्रेत हमेशा ऐसी जगहों पर रहना पसंद करती है जो कि सुनसान हो। पुराने खंडरों के अंदर चुड़ैल रहना पसंद करती है, साथ ही उन सभी जगहों पर भी अपना आसियाना बना सकती है जो कि सुनसान रहते हैं। ऐसे ही एक कहानी हमें यह भी सुनने में आया था कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में कुछ मजदूरों की टीम पुराने खंडरों को गिराने पहुंचे। मजदूरों ने तीन मकान को तो गिरा दिया, किंतु एक मकान को चुड़ैल ने गिरने से रोक दिया था। वहां पर एक मजदूर तो बेहोश हो गया था और कुछ मजदूरों को महिला की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। कुछ को रात के अंधेरे में एक महिला और बच्चे भी दिखे। आइए चुड़ैल के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। मैंने कई वर्ष तक चुड़ैल और उनसे जुड़ी दंत कथाओं का अध्ययन किया है, जिन्हें मैं आपके और पाठकों के साथ बांटता हूँ। यह सच है कि चुड़ैल होती है और किसी चीते या शेर की तरह वे भी इंसानों के झुंड में से किसी एक को ही चुनकर मारती है। उनका आत्मबल बेहद प्रबल होता है और इसी आत्मबल की मदद से वे दूर से ही किसी पर हमला कर सकती है। प्रेतनियों के विपरीत चुड़ैल अपनी मर्जी की मालिक होती है और काले जादू के बल पर
उन पर काबू नहीं पाया जा सकता। चुड़ैल मुख्य रूप से 18 से 32 वर्ष के युवक को अपना शिकार बनाती है। शिकार बनाने का मतलब है कि वे युवक को अपने आत्मबल के जोर से खींच सकती है और शिकारी युवक कुछ ही दिनों में छिनकाई होकर मर जाता है। भ्रम राक्षसों की तरह चुड़ैल भी जादू टोने, तंत्र मंत्र और क्षुद्र शक्तियों में निपुण होती है। इनसे बचने का सबसे कारगर उपाय है सातवीं महाविद्या माँ धूमावती के सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप करना। माँ धूमावती को वृद्ध माता, अलक्ष्मी, ज्येष्ठा, नित्रागति इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है और ये क्षुद्र शक्तियाँ जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, परम राक्षस, डाइन, चुड़ैल, मसान आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। जिस तरह पशुपतिनाथ भोले भंडारी भगवान शंकर ने अपने शरीर में भूत प्रेत को आश्रय दिया है, माँ धूमावती के बीज मंत्र के जाप मात्र से चुड़ैल और अन्य क्षुद्र शक्तियों के वार निष्फल हो जाते हैं।